नेक्स्ट स्पीकर इज हिमाचल की पहली ग्लोबल रॉयल्टी अचीवर, कुछ टूर कईयों कंट्री के टूर अचीव कर लिए हैं, शानदार गाड़ी अभी ली है और फाइनेंस ने उनकी जिंदगी सिर्फ 2 साल में बदल दी है। 2 साल में 360 डिग्री का टर्न और अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत में इतना कुछ हो गया है। हर साल आप कहाँ जाने वाले हैं, सिर्फ लोग देखेंगे, देखने वाले और जो आपके साथ काम करेंगे वो भी अपनी जिंदगी बदल देंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। अगली आवाज है तनुराज जी, ओवर टू यू फ्रॉम सोलन हिमाचल प्रदेश ब्रॉन्ज लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल सियाचिन फैमिली। सो थैंक्स अ लॉट सर, और क्योंकि बात करना चाह भी रही थी आज, और सर बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही सुपर डुपर जिसको बोलते हैं, आज महाभारत सुनने को मिल गई सर, और एक्चुअल जो जो श्री कृष्ण के जो रचाए हुए सब चीजें थी वो सुनने को दोबारा से रिवाइज हो गया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा भी। और बस सर, और जैसे आज पावर लेग के बारे में बात हो रही है, और कल आप दोबारा से रिवाइज करेंगे क्योंकि कुछ चीजें मेरी रह गई थी, तो वो आपकी दिल की बात जो हमारी ना वो आपके पास एकदम से पहुंच गई, क्योंकि मैं और ठाकुर साहब बात कर रहे थे कि इस सेशन को दोबारा सुन लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद। और सर मैंने गाड़ी में अपना चेंज कर दिया है सर, अब मैं जब भी जर्नी में निकलती हूँ तो मुझे 4 दिन से इतने मजे आ रहे हैं, और जो भी मेरे साथ पीछे बैठा होता है, या फिर क्योंकि मैं पिछले कल ही काफी लंबे अराउंड 80 किलोमीटर डिस्टेंस में गई थी और अब वापस भी आ गए, तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सीखा उससे, पर उन्हें मैंने पूरे रास्ते पर यूट्यूब पे जाके जो मतलब जो उनको मजा आया, कहते हैं वाओ मैम ये पॉसर कौन है, ये वनिता राज कौन है, ये योगराज कौन है, कह रही ये राज 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 है क्या। सो बहुत अच्छा लगा पिछले कल का जो हमारा एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि कॉल आ गई, ये आ गया, लेकिन अब मैं जब भी निकलती हूँ तो पॉल भी बस नायत अपना चैनल ओपन किया और उसमें यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें हैं, उसको मैं क्लिक क्लिक करके पूरे रस्ते भर हमारा वो सेशन चलता रहता है सर। मतलब इतना एनर्जेटिक लग रहा था और बहुत ही मतलब लाइक की ठीक है यस, हम जहाँ निकले हैं मिशन पे, उस मिशन पे निकलने से पहले अपने आप को एक्टिव मोटिव सब कुछ सारी चीजें मिल रही थी। तो मैंने कहा सर मैं ये गई थी, अब मुझे मजा आ रहा है कि मैं गाड़ी में बैठी हूँ और फील कर रही हूँ कि यस हम जिस मिशन में जा रहे हैं उस मिशन से पहले से तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें भी काफी अच्छा लगा। तो और काफी अच्छा वर्क हुआ हमारा यस्टरडे को भी, और आज भी मेरी बहुत अच्छी मीटिंग हुई है सोलन के अंदर ही। और एक खुशखबरी हमारे पास, जैसे रोडू रीजन से मेरी टीम में जो है अंबिका जी है, उन्होंने 7 स्टार ब्रेक किया है, तो उनके लिए हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगले स्पीकर भी वही है, राइट सर। और हमारे गीता जी है, गीता ठाकुर जी है, वैसे उनका नाम मथुरा जी है बट उनका जो निकनेम है वो गीता जी है, तो उन्होंने अपना प्लेटिनम कार्ड ब्रेक किया है और बहुत ही अच्छा सर, वो बिल्कुल डेफिनेटली टूर के लिए कोशिश कर रहे हैं पूरी, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैम बस आप साथ है तो डेफिनेटली हम मैं इस टूर को अचीव करूंगी, तो हमारी पूरी कोशिश है गीता जी के साथ, और मैंने उन्हें कहा है कि जहाँ हमारी जरूरत होगी हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं, और बिल्कुल जो वो बहुत ज्यादा मतलब पोलाइट बोलते हैं, और लेकिन जो उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, और खुद ही ड्राइव करते हैं और खुद ही मीटिंग देते हैं, खुद ही प्लान देते हैं, सो रियली अप्रिशिएट करना चाहूंगी पैनल के थ्रू दोनों को ही। और उनके हस्बैंड की आईडी लगी है, उन्होंने नई ज्वाइनिंग अभी बिल्कुल सुषमा जी उन्होंने ज्वाइन करवाए हैं, वो भी गोल्ड एंट्री से, तो डायरेक्ट मतलब वन शॉट में उन्होंने प्लेटिनम हिट किया, सो रियली हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल, बहुत बहुत मुबारक हो गीता जी, गीता ठाकुर जी और मथुरा देवी जी, कुछ भी बोल लीजिए चलेगा। इनका नाम बहुत प्यारा है सर, और क्योंकि मथुरा के नाम से बहुत कुछ प्यारा आता है, पर इनका निकनेम गीता है। आज मैंने भगवान कृष्ण की कहानी सुनाई थी, मथुरा से ही है, ध्यान रखना। राइट सर तो बहुत ही अच्छा, और आज का सेशन भी सुपर डुपर सर, और जैसे कि आपने बताया कल फिर से होगा, तो हम कल फिर से अच्छे से इसको, क्योंकि कल से हमने निकलना भी है, और तो बिल्कुल ये जो सफर मतलब बहुत अच्छे होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि ये आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, क्योंकि मेरे लिए तो मुझे लगता था कि मैं क्या करूँ व्हाट टू डू, सो ये अच्छा हमें एक मतलब एक वो मिल गया कि यस कि हम पूरे टाइम भर हम प्यास को सुन सकते हैं और भी बस नए शो को सुन सकते हैं,
जो हमारे साथ लोग बैठे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये है सर, बाकी जैसे कि अभी अंबिका जी ने अपना जो है सेवन स्टार ब्रेक किया है, और बाकी जो बहुत ही जल्द उनके नीचे एक सिक्स स्टार है, उनके लिए छोटी सा मतलब सिल्वर रहता है, तो वो भी सिक्स स्टार ब्रेक करेंगे। तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, इन्होंने भी टूर के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत मोटे तरीके से काम करते हैं सर। ये नहीं है कि अभी ब्रॉन्ज आएगा सिल्वर आएगा तो मतलब इनका जो काम है बस हाई लेवल का, यस फटाफट से। तो यही है, बेस्ट विशेस आपके लिए। और बाकी सर यही कहूंगी कि पूरी तैयारी है और बिल्कुल आर्डिनेट का बेस्ट फ्रेंड ऑलरेडी मैं हूँ, पर मैं सबको यही बोलूंगी कि आप प्रॉपरली वीडियो में आए और चीजों को समझे, क्योंकि जो लाइव आने में मजा है ना वो कहीं मजा नहीं है। आप पूरा दिन जो काम करते हो और जब नहीं करते हो तो आप रियलाइज करते हो कि हमने आज कुछ नहीं किया, तो वो बड़ी कमी सी रहती है फिर हमारा पैनल में आके, और फिर हमारा वो जो रहता है कि हमने कुछ किया ही नहीं तो वो हमें रियलाइज करता है। तो जब हम डेली डेली सोचे कि यस पैनल में जाके हमें कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे, आज हमने क्या किया, तो आपको हर दिन कुछ ना कुछ करते रहना, एक्टिविटी करते रहना है। और क्योंकि अभी देखो हमारा जो टूर के लिए बहुत बहुत सारा समय जो निकल चुका है उसको इस टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा सभी के लिए। तो बस सर यही है कि बस टूर मलेशिया के लिए पूरा तैयारी हो रखी है, और कल से हम एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ सोलन है और पूरी तैयारियों में है कि क्या करना है, नेक्स्ट क्या है। और बाकी सर यही है कि अचीवमेंट्स तो सर बहुत सारी है इतिहास की बदौलत, तो 10.5 लाख की गाड़ी और 4 इंटरनेशनल टूर सर बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सो सभी को सर पैनल में सभी को मालूम भी है, और मैं बस थोड़ा सा झलकिया बताना चाह रही थी। तो बस सर फाइनली मैं ये कहूंगी अंबिका जी को आप ले, गीता जी को ले, और बहुत स्वीट है गीता जी, और बाकी सर मैं इनकी शेयरिंग जरूर सुनना चाहूंगी, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और इनकी फीलिंग, क्योंकि जो रैंक होता है सर जब चेंज होता है तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है, और वो सर मेहनत करने के बाद जो रंगत आती है वो अलग है। तो बस सर मैजिकल वर्ड्स जरूर कहूंगी, और फाइनली जो हमारे मैजिकल वर्ड्स है, बेटर त्यांस बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर ऑल डायमंड, और सर हमारा हिमाचल के अंदर जो शिमला चलो का हम बिल्कुल आज बैठे भी थे सर, इसकी तैयारियां हम पूरे पूरे तरीके से कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से वेलकम करना है, सारी चीजें सब कुछ मैनेजमेंट कर रहे हैं, और बहुत जल्द भी कुछ अनाउंस भी करने वाली हूँ, और मुझे लगता है कि उस अनाउंसमेंट से और भी बहुत सारे लीडर्स जाग जाएंगे, कि क्योंकि जो हमारे बोलते हैं ना, क्योंकि हम एक हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो हम होस्ट है, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, उसके लिए सबको मिलजुल के आगे बढ़ना है, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं तो तैयारियां कौन करेगा, हम सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल के अंदर जब हमारे गेस्ट आएंगे तो हमें उनका वेलकम करना है, और उनके वेलकम में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरत है। तो जैसे हम करते ना खाना पीना सब, बहुत सारी तैयारियां कर रहे होते हैं कि यस गेस्ट आने हैं, तो उसी तरह से हिमाचल में भी जब शिमला चलो जो हमारा इवेंट है उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, मेंटली भी फिजिकली भी बहुत सारी चीजें की तैयारी करनी है। तो बस सर वही कर रहे हैं और बिल्कुल एक्साइटेड है, बहुत अच्छा इवेंट करेंगे हम, और बस यही सर हिमाचल के अंदर 100 गोल्ड लॉयन और 100 रीजन में और 100 एंडेवर। सर आज बात हो रही थी कि एंडेवर से अच्छी और भी गाड़ी है, पर मुझे एंडेवर ही पसंद है। आज हमारा बड़ा डिस्कशन हुआ था गाड़ियों पे, तो बस मुझे एंडेवर ही लेनी, और एंडेवर में रेड कलर ही बहुत अच्छा लगता है। सुपर सुपर, सही पकड़े सही पकड़े, जिसको बता दिया ना उसके दिमाग में बस वही रहेगा, रात को सोएगा तनु जी की रेड कलर गोल्ड एंडेवर, जबरदस्त। राइट सर, सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट, और बेटर चांस बेटर लाइफ सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तनु जी, आप रोल मॉडल है अपनी टीम के लिए, बिल्कुल इसी स्प्रिट के साथ आगे बढ़िए, और गो गोल्ड लाइन वेरी सून, ऑल द बेस्ट आपको भी और पूरी टीम के लिए।